घर वाली बाहर वाली। अरे सर्वेश, आपका स्वेटर गिर गया। हाँ थैंक यू, मुझे वापस करने जाना था वरना यही रह जाता। अरे वापस क्यों कर रहे हो, इतना सुंदर तो है। क्या गजब डिजाइन है इसकी। है ना, पर मेरी वाइफ को पसंद नहीं आई, उसे और महंगा। छोड़ो। अरे दुखी क्यों हो रहे हो, चलो नीचे कैंटीन में चाय पीते हुए बातें करते हैं। उधर से मैं तुमको कार में छोड़ दूंगी, मेरा भी निकलने का टाइम हो गया। सुबह मैं अपनी वाइफ के पास गया और बोला, ये देखो दीक्षा, असली ऊन से बनी है और डिजाइन तो देखो कितनी यूनिक है। मॉल वगैरह में तो मिले भी ना ऐसी असली और हैंडमेड चीज। पहन लो, शो ऑफ करना सहेलियों में। शो ऑफ ना, जारा या गुच्ची की जैकेट पहन के होता है, इस ऊनी स्वेटर से नहीं। दिलवाना है तो जैकेट दिलवा दो। अरे 10-12 हजार की जैकेट आती है, इतने में महीने भर का घर का खर्चा चल जाएगा। और तुम भी क्या कर रही हो यार दीक्षा, इतनी अच्छी स्वेटर लाया हूँ, तुम थैंक यू बोलने की जगह नई जैकेट की मांग कर रही हो। अरे कम से कम अभी बिना मन के ही रख लेती मेरा मन रखने के लिए। यार पैसों की इतनी पड़ी है तो ये भी वापस कराओ, वैसे भी मुझे नहीं पहनना ये पुराने जमाने की स्वेटर। कोई बात नहीं यार, तुम सैड मत हो ना, वैसे भी तुम चाहो तो ये स्वेटर मुझे गिफ्ट कर सकते हो। हाँ तुम रख लो, वैसे भी तुम इतनी सारी चीजें गिफ्ट करती रहती हो मुझे। तुमको तो पता ही है सर्वेश, मैं कितना पसंद करती हूँ तुमको। अगर तुम शादीशुदा नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रहती। आई नो रश्मि, पर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, चले। चलो। रश्मि सर्वेश से स्वेटर लेकर उसे घर छोड़ने के लिए निकलती है। अरे रुको रुको, क्या हुआ? मैं अभी आया। गार से उतर के सर्वेश भाग के रोड की दूसरी तरफ से कुछ खरीद कर ले आता है। अरे क्या हुआ, क्या लेने गए थे? मोगरे की माला दीक्षा के लिए, उसे देता रहता हूँ, कभी गजरा कभी माला। बहुत लकी है दीक्षा, मुझे तुम जैसा कोई मिल जाए तो मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुश लड़की कहने से कतराऊंगी नहीं। तुम भी ना, तुमको भी अच्छा लड़का मिलेगा रश्मि, ट्रस्ट मी। तुम जैसा चाहिए कोई मुझे। अरे यार थोड़ा लेट हो तुम, मेरी शादी नहीं हुई होती तो ये मोगरे की माला तुम्हारे लिए लाता। वैसे ये तुम्हारा नेकलेस भी कम अच्छा नहीं है। थैंक यू, कम तारीफ करते हो पर जितनी भी करती हो अच्छा लगता है। रश्मि सर्वेश को घर छोड़ देती है। ये देखो मोगरे के फूल की माला लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं एक रहोगी दिन भर। हमेशा यही तो लाते रहते हो, अब मैं इस खुशबू से ना बोर हो गई हूँ। अरे ठीक है ना, कल चमेली के फूल की माला ले आऊंगा। अरे गले में कुछ पहनाना ही है तो सोने का हार लाओ ना। एक तो सोने का हार आता है बहुत महंगा, दूसरा उसमें से खुशबू थोड़ी ना आती है डार्लिंग। खुशबू के लिए तो इत्र लगा लूंगी मैं, तुम सोने का हार लाओ तो सही। तुम्हारा बर्थडे आने दो या कोई खास मौका, तब सोचेंगे। सोचते ही रहोगी, मुझे पता है तुम लाओगे तो नहीं। अरे यार दीक्षा एक बात बताओ, क्या मैं अंबानी का पोता हूँ या टाटा बिरला का भांजा भतीजा? अरे अभी बजट नहीं है यार, ये समझने में क्या जा रहा है तुम्हारा। सर्वेश बहुत पैसा नहीं कमाता था पर जितना भी कमाता था उसमें दीक्षा के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता, पर दीक्षा की खुशी किसी और चीज में ही थी। अगली सुबह सर्वेश जल्दी उठ के रेडी हो जाता है। आज ऑफिस जल्दी जाना है, बस ना निकल जाए। खाना बना दिया क्या? माइक्रोवेव नहीं है घर में, रात का खाना गर्म करके कैसे दूं आपको। अरे गैस चूल्हा तो है ना फिर। अरे स्टेटस तो है ही नहीं कुछ, क्लास तो है ही नहीं कुछ, घर में एक भी महंगी चीज नहीं है। अरे तुम हो ना महंगी से भी महंगी, एकदम अनमोल।
प्यार की बातों से कुछ नहीं होगा। किचन के लिए माइक्रोवेव, बेडरूम के लिए नए सोफे और आने जाने के लिए नई कार लेकर आओ। अब मैं और कंगाली में नहीं रह सकती। हाँ, अरे कंगाल तो नहीं है, हम सोफे और माइक्रोवेव ले आऊंगा, पर कार के लिए तो रुकना पड़ेगा। और यार, मैं कोई जिन थोड़ी ना हूं कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी कर सकूं। मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, कम में तो मैं वहां भी रह सकती हूँ। तुम्हारा काम ही क्या है फिर? दो नंबर का काम करो, चोरी करो, डाका डालो, जुआ खेलो, अरे कोई भी गलत काम करो, पर मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ऑफिस चला जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दीक्षा अपनी इच्छाओं के लिए उससे ऐसी बातें करेगी। वो दिन भर ऑफिस में उदास रहता है। रश्मि सब नोटिस करती है, पर बोलती तभी है जब सर्वेश ऑफिस से निकलने वाला होता है। सर, लिफ्ट दे दो घर तक? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है तुम्हारी और दीक्षा की लड़ाई हुई है ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? इतना तो समझती हूँ तुमको, बताओ क्या हुआ। अरे आज मैं सुबह घर से निकल रहा था कि हाँ फिर और अरे अरे रो क्यों रहे हो, सुनो रोना बंद करो। रश्मि गाड़ी बगल में लगाती है। गले लग जाओ मेरे, हल्का महसूस होगा। सर्वेश रश्मि का कहना मान लेता है और बहुत देर तक रश्मि को गले लगा के रोता रहता है। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है रश्मि, बहुत आराम मिलता है, तुम समझती हो मुझे। दीक्षा को बस चीजों से, पैसों से मतलब होता है, मेरे इमोशन से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूं सर्वेश। इस बार सर्वेश रश्मि को फिर से गले लगा लेता है और उस रात सर्वेश और रश्मि एक दूसरे की बहुत करीब आ जाते हैं, इतने करीब जैसे पति और पत्नी हो। अगले दिन ऑफिस में सर्वेश रश्मि को अकेले में कहता है, कल जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। पर मैं शादीशुदा हूं रश्मि। तो ऐसा सोचो जैसे अब तुम्हारी दो पत्नियां हैं, एक घर वाली और एक बाहर वाली। एक तो संभल नहीं रही है मुझसे। मैं तुमको और उसको दोनों को संभाल सकती हूँ, उसको जो चाहिए सब दे सकती हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ सर्वेश, और मुझे पता है तुम मेरे साथ खुश हो। उसके बाद दीक्षा की हर मांग पूरी होती है, क्योंकि रश्मि के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। रश्मि को सर्वेश से प्यार मिल रहा था, सर्वेश को रश्मि में कोई समझने वाला और बात करने वाला मिल रहा था, और दीक्षा को कार, माइक्रोवेव, सोने का हार सब मिल रहा था। बस दीक्षा को ये नहीं पता था कि सर्वेश के पास अचानक इतने पैसे आए कहां से। सर्वेश रश्मि के साथ फील्ड वर्क का बोल के लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं, प्यार करना गलत थोड़ी ना होता है। पर अगर छुपाना पड़े तो गलत ही है ना? तो बता दूं, दीक्षा शायद ही बुरा माने, उसे तुमसे ज्यादा चीजों की, स्टेटस की, क्लास की फिक्र है। मैं बता दूंगा जल्द ही, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे धोखा देना नहीं चाहता। हाय तुम्हारी ईमानदारी, मैं तो मर जाऊंगा गुड़ खा के। तुमसे ना रोज थोड़ा और ज्यादा प्यार हो जाता है, रोज एक अच्छाई वाली बात कर देते हो तुम। एक दिन दीक्षा सर्वेश को पूछ लेती है, अरे सुनो ना, गजरा नहीं लाते आजकल तुम? वो आजकल दूसरे रास्ते से आ रहा हूं ना। पर तुम्हारी शर्ट पे मोगरे की, चमेली, गजरे की खुशबू तो आती रहती है। अब वो पता नहीं क्यों। तुम मुझे बता चुके हो पहले कि तुम्हारे ऑफिस की रश्मि तुमको पसंद करती है, कहीं तुम उसके लिए तो। अब सुनो दीक्षा,
मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पे शक करो, तो मैं ही सच बता देता हूँ। एक दिन मैं कार में उसके साथ आ रहा था और बहुत रोने लगा, वजह थी तुम। और फिर सब हो गया। हाँ, ये जितनी भी चीजें हैं सब उसी की है। मुझे लग ही रहा था। सॉरी। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी। गलती मेरी है जो मैं तुमको वो सब नहीं दे पाई जो तुम्हें रश्मि से मिला। नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। कुछ मत बोलो सर्वेश, मेरे पास तुम थे फिर भी मैंने दूसरी चीजों को ज्यादा तवज्जो दी, और आज मेरे पास सब है पर मेरा पति नहीं। अरे तुम्हारे पास ही तो हूँ। हाँ, आधे मेरे आधे उसके। सर्वेश और दीक्षा दोनों अपने हालातों पे जी भर के रोए। पता नहीं इसके बाद इस कहानी में क्या हुआ, पर अब तक जो हुआ उससे ये तो समझ आया कि ना सोने के हार का और चमचमाती कार का, दिल तो भूखा होता है अपने पन और प्यार का।